बोल गजानंद महाराज की जय, गणपति देवा की जय, गौरी पुत्र की जय, सदाशिव का पुत्र की जय, और सृष्टि को दुख मिटाने वाला गणपति की रिद्धि सिद्ध करने वाला की जय। आज मैं आप लोग सब जानो हो भाई, पर थोड़ी सी हमारे मन में है, मैं आप लोग दूर एक हमारी वार्ता पुगा रही हूँ। ब्याहरी पद्धति आप कैसे मानिया, हिंदू धर्म में ब्याहरी पद्धति को कहीं कहीं अपना विचार है और कहीं विचारों अपने करनी चाहिए। आप जो विधि करा, जो विधि रहा, जो मन आवे वो मैं आपके पास भेजूँ। तो आप बच्चा बच्ची की सगाई करा, बच्चा बच्ची की संबंध करा, संबंधी अपने घर आवे, घर आवे जहाँ पर कहीं करा कि सगाई पूरी मतलब तय होगी कि भाई आज इधर साथ बच्ची मारी देऊँ, आने बच्ची ने मैं ले जाऊँ, आने बच्चा साथ मारी बच्ची देऊँ। तो आप कहीं करा ब्याही ब्याही मिलनी करे, मिलनी करे जहाँ कहीं करे ब्याही ब्याही पहले यहाँ मिले, यहाँ मिले पचे और छाती हृदय लगा ब्याही ब्याही दोनों आपस में मिले। क्यों मिले कि थारी कन्या मैं ले रही हूँ, मारा बच्चा ने थाने दे रही हूँ, तो आज हूँ मारो टुकड़ो थान करने, थान टुकड़ो मार करने, मारे दिल में राखूँ आपकी बच्ची ने, मारे दिल में खुशी राखूँ, कभी भी दुख नहीं दूँ और कभी भी मैं तकलीफ नहीं पड़न दूँ। कौन कह रहा ससुरा जी और बच्ची रहा पिताजी कहीं करे आप रो बच्चो मारो बच्चो है, जैसे मारे बच्चा ने माता मारी भावना रही, मारी श्रद्धा रही, मारे कहने जो कुछ हुई जो को मारा बच्चा रहे वही मारो, ओ मारो बच्चो, ओ मारो बच्चो मारो है आज से। और बाबची ससुराल जी के आ बच्ची आज से हमारी है, तो वे मिलने रो मतलब वही है हमारा बहन भाई, यहाँ पर मिला मिलने रो मतलब कहीं है, रिपा देने मतलब थोड़ी, रिपा दे एक साख है, साख किधर बनावे क्यों उजुण के जन लोग कान पकड़े कि हमारी साख भरी किरी साख भरावे मारी उजुण वाली साख भरी, जैसे ही वह दक्षिणा दे रहा है भाई एक साई देवे नी मकान लेवा जाना दुकान लेवा जाना, क्यों भाई साई दे रहा है, क्यों दे रहा है कि भाई आज से आप रो और मारो मिलनो रोजना रहनो खोर मिठास रहनो, अपनी जबान में कभी खटास नहीं आनो, दिल में कभी खटास नहीं वापरनो। आ बच्चा बच्ची अपने भी सग गई, अब अपना बच्चा बच्ची री मंडी शादी, शादी मंडी आप किने बोला पहले गणेश भगवान ने गणपति ने क्यों मनावा, वो विघ्न हरण मंगल करण चिंता कार्य सिद्ध करण सगला रदुख मिटाण वालों को गणपति गजानंद गजानंद पार्वता जी शिव जी गर्दन काट दी, तो पार्वता जी क्रोधित हो माता नाती आई, हे महाराज वो आप क्या कर दिया मेरे बच्चा है और बच्चा ने इसको ही आपने मार दिया, आपने मेरे तो बच्चा दिया नहीं और मट्टी का बनाया मेरे मेल का इसको आपने गर्दन काट दी। तो ब्रह्मा जी आया, दही देवता आया, सब आया, ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भाई जो माँ पेट दिया सूती है उसके बच्चा की गर्दन काट इसके लगा दो, तो कोई मांग नहीं बैठी, सब माँ आप रहे छाती ने चेपा सूती हथनी ब्याई ओढ़ी, हथनी बच्चा हथनी ऐसे ही बैठी और बच्चा ऐसे ही बैठा, उस बच्चा की गर्दन काट और गणपति का लगा दी, प्राण तो प्राणनाथ है शिव जी प्राण बाप बिनवा ने प्रवेश कर दिया। तो पार्वती जी आया, पार्वती जी खूब दुख हुआ कि मारा बच्चा ऐसी घंटी क्यों लगाई गर्दन, मैं तो मनुष्य बनाओ आप मारे जानवर बना जो, ब्रह्मा जी क्यों नहीं पार्वता आप रो पुत्र है सारी सृष्टि में सबसे पहली महान है और नहीं मनाए जकर घर में अमंगल नहीं, मनाए जकर घर में मंगल नहीं। तो आज आप ब्याहरी पद्धति मान पहले पोत ब्याह हो कुंकुपत्री छपाओ घर में कोई अच्छा काम करो, पहले के नहीं याद करा गणपति ने, गणपति कौन है पार्वता ना पुत्र शिव का पुत्र, माता नहीं जायो गर्भ नहीं आयो गौरी पुत्र की वायो, क्यों कहो सती ही सत हो, मैंने बच्चा ने माटी को बड़ा पुत्र रख दियो मान जीव प्रवेश कर दियो सत्य करियो सत्य अपने घर सत्य नहीं है। तो आ गणेश भगवान की है पूजा, गणेश जी ने पहली मनाई जो तो गणेश जी अपना विघ्न दूर करी, गणेश जी ने क्यों मनावा विघ्न हरण वास्ते, विघ्न कहीं है भी ही गन मतलब जो कुछ विघ्न है घर को बच्चा बच्ची को अपने घर को वो टल जाए और अपने घर में ब्याह सा हो आनंद मंगल सो हो, ये वास्ते आप गणपति ने मना। अब आप कहीं करा अबे बच्चों और बच्ची आप शादी करावा, शादी कराने कहीं करा आंगन बीच में हवन करावा, घी होमावा, पंडित बुलावा, पाटिया बुलावा और रंग घुटी जाए काचा दूध में रंग घुटी जाए, वो कहीं हुए हथले जुड़ा कौन जुड़ा पिताजी ब्राह्मण देवता पिताजी हाथ में माता रे हाथ में बच्चा रे हाथ में बच्ची हाथ में जल देवे, बच्चा हाथ में जल देवे बच्ची हाथ नीचे रहे, नीचे रहे बच्चा हाथ ऊपर रहे बच्ची हाथ नीचे रहे, और पिताजी हाथ
ऊपर रहे और उस बच्ची की माँ को हाथ पिताजी हाथ रहे नीचे रहे, क्यों रहे संजोड़ो वो संकल्प हो रही है तो संजोड़ो माता पिता कन्यादान कर रहा है तो वो रंग उठे, रंग उठे मेरे का ही करे वो रंग भरपूरो रुपया हूँ बच्चा रे हाथ रे माने देवे कौन दे बचेरा पिताजी, बचेरा पिताजी बाहिरा का ही करे पीला हाथ करे, पीला हाथ करे तो बाहिरा हाथ रे माने कौन सा हाथ माने रुपये मेले, रुपये मेले और मेरे मत का ही दे आप बाहिरो हाथ ऐसे ऐसे किसको देवे जवाई राणा को, जवाई राणा आज की आए बे अपने घर का जवाई राणा बन गया जवाई राणा, मतलब सबसे ऊंचो बिन पद दियो जवाई ने तुम्हारे घर का तू राजा है बना दियो, तो बच्चे ने बच्चा को सौंप दिया, बच्चा को सौंप दिया और संकल्प लियो माता पिता मैं वो कन्यादान ये बच्चा साथ करा, तो अग्निरो मतलब का है अग्निरो मतलब है अग्नि प्रकट हुई है और विष्णु भगवान देवी देवता तेजस्वी देवी देवता बड़े अग्निमान हाजिर है और बे भाई फेरा खा रही है तो बे साक भर रिया कौन भर रिया है अग्नि देवता रे साथ में फेरा खाया कोई साक मुझे भरो अग्नि देवता साथ भरने वाला है तो वे साथ फेरा खुआवे, साथ फेरा खुआवे तो बच्चों बच्ची बच्ची तीन बार बच्चों आगे फिरे तीन बार चार खुआवे फेरा हो साथ फेरा गया बच्ची तीन बार आगे फिरे तीन बार आगे फिरे मैं कहीं कहे बच्ची कहीं कहे मैं तीन कुल में तैयार हूँ कौन कह रही है अपनी बच्ची कह रही है बच्चा के साथ फेरा खा रही है वो फेरा को मतलब कहीं है फेरा को मतलब है कि मैं तीन कुल में तैयार हूँ थारा पीर सासरो नांदेरो बच्चों चौथो फेरो खावे एक ही फेरो खावे वो कहेंगे मैं सब कुल तारी सकला साथ साथ में रहूँ थारे साथ रहूँ थारो मारू जीव एक है थारो मारू जीव एक है मैं तार सदैव साथ रहूँ कुल के दाग नहीं लागन ठीक है बाबू बच्चा बच्ची फेरा खा लिया अब कहेंगे रे देवता आगे हाथ जोड़ाओ बेटा माया आगे हाथ जोड़ावे हाथ जोड़ा नमस्कार करावे माता जी ने देवता ने पितरा ने तेजी देवता ने हाथ जोड़ावे हाथ जोड़ा बच्चों और बच्ची नमस्कार करे क्यों करे हे भगवान मारी आप वहाँ पर कृपा रागी जो जैसे आप रो नाम अजर अमर है कि आप सबकी सहायता करो वैसी बुद्धि माने दीजो तो मैं हमारा कुल ने बढ़ा सका और कुल के दाग नहीं लागन था माने दागू बचाई जो ठीक है अब कहीं करे जुआ जो ही रमावे कोई श्वास नहीं हो रही कोई घर को अगर नहीं रमाता श्वास नहीं रमावे और कोई कोई रोमे बूढ़ो बूढ़े रो तो वही रमा दे बैठो बैठो तो बने वन चुगावे वन का ही बोले रुई कपास उसको रुई बोलता है कपास बोलता है वन बोलता है वो वन वन किस में डाले वनडो बनरी में डाले बनरी बनड़ा में डाले वो इसका चुगता है वो उसका चुगता है क्यों चुगता है कि तेरे और मेरे बीच में कोई दाग नहीं रहना चाहिए ऐसे जैसे वन सफेद है ऐसे अपना दिल दोनों का साफ होना चाहिए रुई में क्या होता है रुई में क्या होता है वस्त्र में तो धागा गुंदा हुआ होता है रुई में क्या होता है एक एक तार कच्चा तार होता है कच्चा तार होता है तो उसमें बच्चा और बच्ची दोनों ही कच्चा तार है आज से मैं क्या कह रहे घुल जाएगा घुल जाएगा दो पगों बच्चों हो तो आज से चार पगा बन जाएगा कैसे शादी हो गई चार चार पगा होगा चार पाया वाला हो गया ठीक है आज से क्या बना है आप लोग हंसोगे आज से बच्चा क्या बना है चार पाया किसका होता है जानवर का होता है जानवर का होता है हमारा बहन भाई जानवर का होता है और दो पैर किसका होता है दो पैर किसका होता है मानुष के नहीं मानुष के दो पैर नहीं है मानुष के नहीं चार पैर कैसे है पांव से चलता है हाथ से कुछ काम लेता है जैसे अपने कोई बच्चा को पीठ पर बिठा कर घुमाते जैसे क्या बनता है चार पगे बन जाता है बनता है ना तो वो बच्चों चार पगो कैसे हुई है कैसे हुई है दो पग पत्नी का दो पग आप रहा ऐसे क्या होती चार पग क्या गाड़ी बन जाती है गाड़ी बनती हो गाड़ी से क्या चलता है सारा काम चलता है तो दोनों पति और पत्नी घर की गाड़ी है घर की जहाज बनिया है वो घर ने बेड़ा पार करेला तो अबे कांग रुई चुगली अबे कहीं चुगे अबे कांगन डोलडा खोल ले ऐसे कांगन डोलडा बनता है भगवान रे मुंडा के गांठ लगती है उसको गांठ को खुलता है बंदड़ो बंदड़ी खोले बंदड़ी बंदड़ारी खोले क्यों खोले भाई थारे हमारे बीच में हृदय में कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए आज से आपा एक तार हाँ ऐसे इसका मतलब कांगन डोडा मतलब यह है कि बीच में आपा गांठ नहीं रहनी चाहिए आज से अपना दिल एक है ना अब एक और रहेंगे ठीक है तो अब जवा जो परात्मा ने पानी घाले परात्मा ने जल दूध घाले दही घाले बीर मन कहीं घाले चांदी की विंटी हुए चांदी की अंगूठी हुए आप लोग नहीं समझो तो चांदी की अंगूठी बोल दो अंगूठी होती है उसको क्या करता है जल में डालता है
जल और दही और दूध परात भरता है इसे मठ, उसके मान डालता है, उसमें डाले तो उसमें क्या होता है, खारक डालता है, सिंगोड़ा डालता है, एरवा बादाम डालता है, और कोई दो चीज़ हो तो और डाल देता है, और पैसा डालता है, उसमें क्या करता है, बंदरों और बंदरी दोनों ऐसे 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 दोनों खेले खेले, अगर बंदरों जीत गो तो वह बिंटी बंदरी की है, और बंदरी जीत गई तो बंदरी की है, क्यों जीता था बंदरी को, क्यों देता है बिंटी, बिंटी ऐसे देता है कि मैं तेने एक रुपये दूँ, मारे घर ने उजलो रखी छे, घर में दाग मछला कर दी, मैं जीत गो अब हमारी जीत थारी जीत है, तू जीती तो मैं जीत हूँ, कौन कह रहा, उसका पति कह रहा, बंदरी दुल्हन का दूल्हा कहता है, आप जीतोगी तो ही मेरी जीत है, मैं जीतूंगा तो ही मेरी जीत है, तो आज से मेरी घर की मालक नहीं आप हो, और आपने मैं हमारा सारा भार सौंपूँ, हमारे घर को सारो काम आप पर सौंपूँ, और विंटी कोई मामूली चीज़ नहीं है, विंटी क्या है, पर्वत है, पर्वत पर्वत को उठाना है, किसको उठाना है, दुल्हन ने, दुल्हन ने, तो वह ठीक है, अभी आप कहेंगे ना परात में चवा जो रम रहा, चवा जो रुमान कहीं चीज़ है, चवा जो रुमान है, खारक है, सिंगोडो है, और रूपो है, और पैसा है, तो पैसा रो मतलब है हमारे घर में कभी भूख में त्यान दीजिए, और रूपा रो मतलब है हमारे घर में उजल रख दीजिए, और सिंगोडा है और खारक है, तो वो मारो परिवार है, कौन बोल रहा है, दूल्हा, ये मेरा परिवार है, इस परिवार से कभी नहीं बिछड़ना, इस परिवार ने एक मुस्त रखना है, परिवार ने बिकट नहीं देना है, तो अब वो गांठ खोल दी, जोआ जोई रम लिया, जोआ जोई रम मतलब कहीं है, जल है वो दूध है और दही है, परात भरी है, वह क्या है, जल नहीं है, वह क्या है, बहु सागर है, क्या है, बहु सागर, किसके लिए, दूल्हा दूल्हे के लिए, ओ बहू में नाव है अपनी, इस नाव को पार करना है, किसको कहता है, पति कह रहा है पत्नी, और पत्नी कह रही है पति को, पति देव अपने बहुसागर से पार होना है, अपने कुल के दाग नहीं लगाना है, बहुसागर कौन है, वो अपनों परिवार, पीर सासरो और कुटुंब कबीलो और सारी सृष्टि, कोई अंगुली से नहीं बता रहे, और फलाने घर को बचो ऐसा काम, फलाने घर बच्चे ऐसे काम नहीं, माता पिता पर कलक नहीं आने देना है, अपने बहुसागर से पार होना, ठीक है, अबे दूल्हो पंडित जी घर आ गयो, घर आ गयो तो सासू माँ बतावे है, किन्ने बतावे, बहू ने, बहू ने कैसे बताती है, ऐसे एक नंदनो ले लेती है, नेत्रो तो है बिलोन कर लो, आजकल क्या मोलियर धागो ले ले और चांदी की कोई पाइजेब और ले ले, और आपकी साड़ी जो वेश हुआ पहने उसमें ऐसे ऐसे, पहली पहली बहू ने बताओ, क्यों बताए, लक्ष्मी आई है अपने घर में, ऐसे ऐसे बताती, कौन बताती है, सासू माँ, सासू माँ बताते, और बहू ने घर में लाए, तो बहू रे कपड़ा के बरी पहने हुए उसमें क्या डांग दिए, नाकरी नथ होती है, नथ नथ वाली, आप लोग कहीं बोलो समझ जाना, नाकरी होती है, तो उसको बहू के वस्त्र के लगा देती है, जो पहनना होता है साड़ी हो चाहे वेश हो कुछ हो उसके लगा देती है, क्यों लगाती है, लक्ष्मी आ रही है अपने घर में, लक्ष्मी लावण्या लक्ष्मी ला रही है, इसलिए भी लावण्या रे लगावे, तो बहू घर में पग धरे, समझदार हुए जगह तो माए थे समझदार हुए थे कि बेटा पहली पग थारो जीवनो धरिए थार घर में, आजकल तो भाई कलश भरे ठोकर दे नहीं, ठोकर नहीं दे रही, क्यों, लक्ष्मी का भंडार भरे, लक्ष्मी ठोकर नहीं मारनी, ठोकर मारे कहीं अनदेवता है, अनको अपमान हुए, अनको अपमान कदे नहीं करना, अनको अपमान कौन करता है, उसको अन्न रूठ जाता है, अन्न भगवान की देन है, अपना प्राण है, प्राण बचता है इनसे, अन्न ठोकर कदी नहीं मारना, हाँ पूजा करो थे कल सामो रख दो, बहू को ठोकर कदी मत दे रहो, ठोकर मत दो, बहू ठोकर दे रहा है आज बाबू अपन कहीं नहाल करी, वो घर अपन कहीं नहाल करी, हाँ बहू बहू रहते पहलिया मंडो अच्छी बात है, बहू रहते जतन करो सब अच्छी बात, पर ये कलश भर धर बहुन ठुकराओ वो अच्छो नहीं है, वो अवसुगन है, आप लोग समझो को नहीं, अवसुगन है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो बहू अपन घर में आवे, घर में बन के भाई बेटा तू घर में पहली मारे जीवनों पग रखीजिए, क्यों कहे लक्ष्मी रो बासो है, लक्ष्मी घर में आ रही है, लावना लक्ष्मी ला रही है, इसलिए बाबू घर में प्रवेश हो जाए, तो अभी दुल्लो कहीं करे, दुल्ला हाथ मान तलवार हो कटारी हो चाहे इतना सा चक्कू हो कुछ होता लोक की चीज़ होनी चाहिए, तो उससे दुल्ला क्या करता है, घर में बडेरा रेवे बाया बेना रेवे बे कहीं करे पहली पंदड़ी आ रही है दुल्ला दुल्ही आ रही है बदा जगह पहली दरवाजे पर बहन खड़ी रेवे, दुल्हा दुल्ही आ गया तो दरवाजे पर सुहास नहीं खड़ी रेवे, बा क्यों रेवे, ऐसे बाहर रोके, ऐसे बाहर रोके, क्यों रोके, भैया हमारा भाभी नहीं ले रहा यार, मैं बधाई लेऊंगी, तो बधाई क्या लेगी, बधाई बधाई किसको कहते हैं,
बधाई यह कैसे है भाभी ने ननंद आशीर्वाद दे रही है मेरे, मैं तेरा बाहर रोक रही हूँ, तू मेरे घर बधाई जे और मेरे का दरवाजा घर का रोजाना खुला रख जे, मेरे बाप को वंश बढ़ाई जे, इसलिए बाबा भाई बाहर रोक रही है भाभी को, समझा रही है भाभी आज मैं बाहर रोक रही हूँ, तू मेरे घर में आ रही है तो मेरे घर का द्वार खुला रहना चाहिए, मेरे पिताजी का परिवार बढ़ना चाहिए, मेरे पिता के नाम जय जयकार होनी चाहिए, तो बाबा जी ने नेक देवे और बच्ची आगे जावे, इसका नियम यह है, यह नहीं है बाहर रुकाई दे दी, नहीं दूल्हा घोड़ा पर बैठे घोड़ी पर बैठे, वानी क्यों करे, वानी क्यों करे, उसको माता ही दूध पिलावे, अपना दूध पिलावे, ये बेटा मैं थाने दूध पायो, आज मारो दूध पी, तुम घोड़ी चढ़ रही हो तो मारे दूध की लाज राखी, मारे दूध पर कलक मंत्र लगाई जाए, बाबा माँ बैठे, माँ उसको टीका काटे, क्या कहती है बेटा देख आज मैं थारा टीको काट रही हूँ, आज मैं थारा टीको काट रही हूँ, तो तू टीको काट जिसे मन रोजिंदा रखी जाए, मैंने ऐसा मत करी जे, तू हमेशा मेरा नाम उजला करी जे, माँ बच्चा को समझा रही है, तो आज अब बच्चों ऐसे एक थाली ऐसे, एक थाली ऐसे, एक थाली ऐसे, एक थाली ऐसे, बच्चों भी कह रही हो थाली हो, बच्चों भी कह रही हो, लार बार दुल्हन का ही कर रही है, दुल्हन थालियाँ चुग रही है धीमे धीमे, ये भाई बजाई मत बजाओ घर में लड़ाई वेला, तो थारो बेटो तो यहाँ फेंक्या नहीं हो फट फट, इन्हें तो कौन कहे भाई तू क्यों कहे, बेटो तो बिखेरे नहीं है, बेटो रीति सिखा रही है इसलिए नहीं कहता, तो वो बहू ऐसे 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 नीचे बैठ जाती है धीरे धीरे, अदर अदर थाली रमान थाली, थाली रमान थाली, थाली मेलन वाली छतरा ही मेले हो, पहली थाली मेले मोटी पचे छोटी 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 छोटी, मेल पनीर भी रमान है, थाली रमान बे थालियाँ ले जा रख दे, अब अपने घर की कोई बूढ़ी बुढ़ेरी है, नानी है, दादी है, कोई बड़ी माँ है, नहीं तो बेचारी दुल्हा की माँ है, बिना पाटो ढाले गिदी बिछावे और भी माँ ने पाटा पर बिठावे, तो अब आवाज बहू आवाजी का करे, बहू रानी का करे, दुल्हन का करे, लाए फिर थालियाँ सासू मारी गोद में देवे, कौन देवे दुल्हन, बड़ा घर की आई है, बड़ा भाग्य अपना भाग्य, इसी दुल्हन अपने घर में आई है, भी कह रोड़ा घर ने बा एकटो कर दियो है, कैसे कर दियो, देवर न्यारो, जेठ न्यारो, सासू न्यारी, ससुरो न्यारो, परिवार खिलमिल हो गया है, तो खिन बिन भगवान बा एक करती है, कैसे कर रही है, बाकी नहीं सासू जी मैं आपकी गोदी में दूँ, आज सेवा मैं करूँ ये घर की, हमारे परिवार ने बिकट नहीं दूँ, ये थालियाँ रोजना ऐसे ही मंज भरी आप थाली गोद में आवेली, तो बे बहू कह रही है थाली मतलब ओ है, थाली चुगा नहीं, थाली मतलब ओ नहीं है, थालियाँ चुगली, नहीं खड़कावे नहीं भड़कावे, नहीं खड़कावे नहीं भड़का मतलब है तू मारा बिकलोड़ा ने इकटा दाखी जाए अने बिकड़ मत दे जाए, तो थाली नेम ओ है मारे बहन भाई, थाली नेम ओ है, अबे सासू जी कहीं करे घी और गुड़ में बहू रो हाथ गलावे, हाथ गलावे बहू रानी को दुल्हन को हाथ गलावे, क्यों गलावे ये बहू तुम घी जिसी तो चिकनो राखी जाए और गुड़ जिसी घर ने मीठो राखी जाए, मतलब चिकनी सबसू प्रेम उड़ी जाए लुकी मती हुई जाए घरों, और गुड़ जिसी तो मीठी जाए गुड़ घर ने मीठो राखी, दुल्हन अपन घरे आवे ससुरा जी वे थालियाँ तो दे देवे सासू जी ने गोदी में, और सोच घी में गुड़ में बे सासू जी हाथ गलावे, तो अब कहीं करा ससुरा जी पगल लगे हुए, पगल लगे हुए कुटुंब कबीलो बेलो जो बख्शीस देवे बच्ची ने आशीर्वाद देवे, कोई रिपेयर भूखी बा कोई नहीं बेटा रिपेयर भूखा कोई को नहीं, आशीर्वाद देवे बच्ची ने, बच्ची ने तो मैं हाथ रमान कुछ देवे देवे जब वो आशीर्वाद फले बांको सब आशीर्वाद फले बच्ची सगल आशीर्वाद ले सब पाँव पड़े पाँव छुए बिना सगले आशीर्वाद देवे फलो फूलो बेल बदो और दूधा नव पुत्रा फलो और मान घर की बेल बदो सुख शांति देव और चांगना दिन रात चौगुणी उन्नति करो सब आप जैसी जैसी भावना आशीर्वाद देवे, तो अब ससुरा जी का ही करे पगे लगे हुए हूँ पहली पगे लगे करावे पचे थालियाँ दे दे सासू जी ने और ससुरा जी ने गोडे माथे बैठे बहू रानी ने गोडे माथे बिठावे, बहू रानी ने गोडे माथे बिठावे क्यों लाडेसर बेटी आई है घर में, लाडेसर बेटी आई घर में पिताजी बिन लाड लड़ा रही है, तो बिरमान का यहाँ पांगे लाल कोतली वे, लाल कोतली वे बिरमान का ही गाले रुपया गाले पैसा गाले खुला पैसे ही गाल दे रुपया गाल देवे, बिरमान कोई खार का ही गाल देवे या बिरमान ने पता सा गाल देवे, बिरमान ने ससुरा जी गोडा माथे बिठावे बहू ने बिठावे हो दुल्हन ने गोडा माथे बिठावे, गोडा माथे बिठावे कि भले बेटा ये कोतली में तू हाथ गाल, ये कोतली में जो शुक्र थारो है और बहू हाथ गाले तो बिने बहू बहू ने क्यों हाथ गलावे और कहे भाई आ लक्ष्मी है मैं घर की ये में तू हाथ गाल कोतली में क्यों गाले लक्ष्मी यही पकड़ा सके खुले खाली अगला देन पगे लगे जीव ससुरा जी पकड़ा सके नहीं, वो नियम है कानून है भगवान के घर की एक आशीर्वाद है क्यों है बा बहू कोई मामूली चीज नहीं है, जो बिने ससुरा जी सौंप रही है सारी संपत्ति, क्या संपत्ति आपकी लाज
आपरे घर की इज्जत। और बिन बहु ने कहे इम हाथ गाल क्यों गाले, बिन कोतले में क्यों गाले, ई दे सके नहीं दे सके क्यों बहु, इम लक्ष्मी तुम्हारी लक्ष्मी है तो इन माने तू लक्ष्मी में हाथ गाल, आ लक्ष्मी है ढकी डूमी जो तुम्हारे घर में ढकी डूमी लक्ष्मी रह जाए, तारे लक्ष्मी आवे घर में तो ढकी डूमी लागी जाए, लक्ष्मी ने बाहर फेंकी मती, लक्ष्मी ने उछाली मती, कुरस्ते पैसे लगाई मती, लक्ष्मी ने जो आज तू हाथ गालियो ढकी डूमी में जो तू ढकी डूमी लक्ष्मी ने घर में राखी जाए। अबे आप माया बिठाई माया उठाई तो माया उठाने को बिठाने को कहीं है पगे लगे हुए यहाँ पर जाए माया उठावे इस दिन स्वागत थाल हुए जहाँ माया उठे तो माया उठने को मतलब वो है कि माया ने कोई नहीं उठा सका, माया कहीं चीज़ है, माया है लक्ष्मी, दही देवता ने याद करे, दही देवता ने पूजा करे, दही देवता ने भोग लगाए, दूल्हा दूल्ही बेटा हाथ जोड़े, बिना माँ बाप बेटा हाथ जोड़े, विनायक बिठावे, विनायक रहो घर में सुख शांति रहो, शांति में ब्याह हो जाओ, तो अब माया कहीं चीज़ है, माया है लक्ष्मी जी, बाने बिठावे महाराज मारे अट बैठो और मारो घर को कार्यो ब्याह और कार्यो सिद्ध करी जोते, तो भगवान की राजी खुशी दूल्हा दूल्ही पंडित आ गया और जमन जुटन उगा और सगलो अपन खुशी काम उगो, पछी बेटी ने सीख दे देवे, बहु घरे आ जावे, बेटी ने सीख दे दे उठा ले माता पिता फिर में, और अटी ने बेटी सासरे आ गई अपन घरे आ गई दुल्हन, तो आपा मैंने माया ने उठावा, क्यों उठावा कि माया थे ढकिया डूमे मारे घर में लीजो, ए मारे कदी घर में तोटो मत आन दीजो, ए मैं आपने ब्याह वास्ते बंदी करी बांधिया हटे, तो आप है तुम्हारे मात्र रोज ने कृपा बरसाता दीजो, तो अबे बे लक्ष्मी जी री पूजा कर ली अपा माया की पूजा कर ली और सुख शांति अपा के काम होगो, तो अबे सब काम होगो, लक्ष्मी जी ने माया ने हाथ जोड़ लिया, माँ बाप ही बिठावे और माँ बाप ही घी और गुड़ जिमावे, जीमो माया घी गुड़ धाया, मारे ब्यावरा जतन थे कराया, जीमो माया घी गुड़ धाया, मारे बंदड़ेरा बंदड़ा जतन थे कराया, तो वाह आ माया है, आ माया कहीं है, माया तो पैसा रही है सगली, सगलो काम पैसा हुए, अब आप बेटी ने दाय जो देवा, कोई दाय जर भूखा कोई नहीं आग ले जाऊँ नाला सब घर में, पर बेटी आप करीमी में है, बाप करीमी नहीं है, बाप बोले कितने दो बाप रे दिलो कोई नहीं, बेटी आप कर्मा में लिखो नहीं वो बीतो ही मिले बिने, तो ई वास्ते देवे कि मारी बेटी जाती कोई कनू दो बर्तन नहीं मांगे, अच्छो घर हुई जन सगलो करो संसारी सुख भरियोड़ ला दी, जे घर में ने मतलब नहीं है तो मारी बेटी जाती छुलो बाल सके वो शादी सामग्री ये बात आप दाय जो देवा, दूल्हा और दूल्ही फेरा खावे आगे चले पराया हो जावे, तो दुल्हन कहे पति देव आप कटी जाओ जटाए मैंने साथ ले जाइजो और मैंने पूछा बिना काम मत करजो, और मैं ही आपने पूछा बिना कोई कार्य नहीं करूँ, कटी नहीं जाऊँ और कटी कदम नहीं धरूँ, तो सियाला में सियाला का कपड़ा पहनाइजो, गर्मी में गर्मी का कपड़ा पहनाइजो, चौमासा चौमासा कपड़ा दीजो और मारी शरीर की आप रक्षा करजो, पति किसको कहता है, पति उसको कहता है पत्नी की पत्र आके वो पति होता है, और पत्नी किसको कहता है पति नहीं पत्र आके उसको पत्नी कहते हैं, तो पति पत्नी नाम क्या होता है स्त्री, ऐसे तिरे कैसे सगलानी सेवा कर और तिरे उसको कहता है स्त्री, स्त्री ऐसे तिरी है सगलानी सेवा करिए सगलानी बूंद बल से और ऐसे तिरी स्त्री, और पत्नी किसको कहता है पति की पत्र आके फिर सासरा की पत्र आके उसको पत्नी कहता है, पति किसको कहता है पत्नी की रक्षा करे सब परिवार की रक्षा करे उसको पति कहता है, पति कौन होता है पति ते पावन सीताराम शरण में मोह लीजिए, तो पति पावन कौन है परमात्मा है, पर यहाँ दुनिया का पति कौन होता है उसका माता पिता दूल्हा के साथ भेजे उसका पति वही होता है, उसके लिए वही भगवान है वही तीर्थ है वही व्रत है और सब कुछ संसार को सुख पत्नी रे पति है, और पति रे वास्ते पत्नी है, तो जैसे भगवान एक पत्नी पर रिया ब्रह्मचारी रे एक पत्नी पर रिया, जैसे भाई लोग एक पत्नी पर रीजो, अगर इच्छा हुआ तो शादी करजो दे शादी मत करजो, और दूसरी से लड़की से प्रेम हुए तो उस दूसरी जबरदस्ती कोई माता पिता के आप पहले से नट जाइजो जिंदगी बर्बाद मत करजो, तो स्त्री पत्नी और लुगाई, लुगाई किसको कहते हैं सगला घर का ही लुए सगलो परिवार लुए उसको कैसे लुए आ भूंडी पीराला सासराला कुटुंब कबीलो परिवार सभी भूंडी कहे उसको क्या कहता है पत्नी औरत लुगाई इस बा लुई जावे तो ये बात किसको नहीं कहे किसको नहीं अपना दुख किसको नहीं बता दी उसको कहता है लुगाई औरत स्त्री
उसको कहता है। और पति कैसा होता है, पति परमेश्वर होता है, पत्नी की रक्षा करता है, बाल बच्चा की रक्षा करता है। जैसी आपको जिस जितनी कमाई हुए उतनी लाड़ पत्नी को हाथ में देता है, वो पत्नी फीस पोई और आपका बच्चा को पेट पालती है। अगर ज़्यादा नहीं हुआ कमाई तो भाई एक टाइम री एक टाइम दूसरी टाइम दूसरी टाइम दलिया और फीस पर अमिया में आटा और दलिया कर बच्चा को पिला देती है, वह घर की बाजी रखती है, उसको कहता है पत्नी। तो आप ब्याह की पद्धति है मैं आप लोगों ने की हूँ, और जो इमान कोई थोड़ी घनी बोल चुकी है तो मैंने माफ़ कर दियो। जय गणेश भगवान की।